આજે 6 એપ્રિલ ભાજપનો સ્થાપના દિવસ છે ત્યારે દેશભરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભાજપ દ્વારા તેની ઉજવણી કરવામાં આવશે અને થોડી જ વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ સ્થાપના દિવસે કાર્યકરોને સંબોધિત કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 42મા સ્થાપના દિવસ હે. યે હમ સબકે લિયે બહોત હી ખુશી કા વિષય હે ઓર યે હમ સબકે લિયે સુ અવસર હે જબ ભારત કે યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી જિન્હોને ઇસ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में अपने जीवन को लगाया है और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा. मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताए गए रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम समाज में जो परिवर्तन लाते हुए देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें और आज स्थापना दिवस पर इस संकल्प को लेकर के हम चलें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. मित्रों, 42 वर्ष के इस कार्यक्रम के साथ साथ आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने जनसंघ काल से पहले दिया को लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले. तीन तीन चार चार पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए. आज उनको भी याद करने का अवसर है. पार्टी ने एक लंबी यात्रा की है और पार्टी ने बहुत उतार और चढ़ाव देखे. आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में दूसरी बार सरकार स्थापित है. ये हम सबको देखने का सौभाग्य मिला. आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार.